नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद के थाना पचोकरा क्षेत्र के नगला सूरज बम्बे के किनारे खेतों से पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को धर दबोचा, जिसमें पुलिस की मुठभेड़ होने से आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से एक तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ। SP सिटी सर्विस कुमार मिश्रा ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में बीते दिन एक मुकदमा थाना पचोकरा में दर्ज किया गया था। इस घटना के आरोपी को नगला सूरज बम्बे के किनारे खेतों के समीप होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो उसने पुलिस पर तमंचा से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उस पर गोली चलाई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और घायल हो गया। तभी पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसे दबोच लिया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को अपना नाम बंटू पुत्र ओम प्रकाश निवासी नगला सूरज थाना पचोकरा जिला फिरोजाबाद बताया। बताते चले कि थाना क्षेत्र में 17 अगस्त को एक महिला ने तहरीर दी थी कि उसकी माता अपनी ससुराल से मायके जा रही थी, उसी दौरान बंटू ने दुष्कर्म किया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो देखते रहिए C20 न्यूज। देखिए, 17 अगस्त की रात्रि में एक दुष्कर्म का मुकदमा थाना पचोकरा में पंजीकृत किया गया था। दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। हमारी टीमें लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले दुष्कर्म के आरोपी पंटू के साथ में नगला सूरज की बम्बा पर मुठभेड़ हो गई। उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने बचाव में फायर किया गया, जिससे उसके पैर पर गोली लगी। उसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। उसके पास से नाजायज असलहे की बरामदगी की गई है। उसने दुष्कर्म की घटना को स्वीकार किया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।